मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा से संबंधित जो है एक बहुत ही अप्रतिम कविता कर चले हम फिदा, यानी आत्म बलिदान, फिदा यानी आत्म बलिदान। तो इसके कवि हैं कैफी आज़मी, बहुत ही अच्छी तरह से कविता लिखी है, जो यहाँ पर चीना और भारत का युद्ध हुआ उस समय उनको हौसला दिलाने के लिए सैनिकों को यह कविता कही गई है और बहुत ही अप्रतिम कविता है। यहाँ पर जो सैनिक जो हैं अपने आने वाले सैनिक या भावी सैनिकों को या अपने दूसरे साथियों को कह रहे हैं कि अब तो हम कर चले, यानी हम तो अभी स्वर्ग प्राप्त किया है या वीर गति प्राप्त किए हैं, अभी आपको यह जो देश है वो आपके हवाले करके जा रहे हैं, तो इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है। इस प्रकार जो है हर कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, इस तरह बहुत ही अच्छी कविता थी। आज हम इसी पाठ के अंतर्गत जो है प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? तो सही है मेरे कैडेट्स, यह एक पृष्ठभूमि यानी कोई इसका इतिहास है। तो इसका उत्तर है, यह गीत सन 1962 के यानी जब भारत चीना युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। उस युद्ध में जो है बहुत सारे जो हिंदी हो या चीनी हो, देखिए हिंदी चीनी भाई भाई कहते हुए हमारे तब के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, तो हिंदी चीनी भाई भाई कहते हुए तो वहाँ पर जो है सीमा पर सैनिकों को हटाने की मांग हो गई, तो वहाँ पर सैनिक जो तैनात थे उसे निकाला गया। तो उसके बाद जो है वहाँ पर यहाँ अचानक से जो है चीना ने हमला किया, भले ही हम सैनिक कम थे लेकिन उनको मुँह तोड़ जवाब जो है देने का प्रयास जो है इस युद्ध में किया गया। 62 के भारत चीन युद्ध की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। चीन ने तिब्बत की ओर से आक्रमण किया और भारतीय वीरों ने इस आक्रमण का मुकाबला वीरता से किया। देखिए आक्रमण किया थी चीन ने तिब्बत की ओर से आक्रमण किया और भारतीय वीरों ने इस आक्रमण का मुकाबला वीरता से किया। तो अगला प्रश्न है दूसरा, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण गंवाकर देश के मान सम्मान को सुरक्षित रखा। भारत के सैनिक हर पल देश की रक्षा हेतु बलिदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो है देश की रक्षा के लिए वो तत्पर हमेशा रहते हैं। तो आगे देखेंगे किस प्रकार तीसरा प्रश्न है, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? तो तीसरा प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, इस गीत में सैनिकों और भारत की भूमि को प्रेम प्रेमिका के रूप में दर्शाया गया है। जिस प्रकार दूल्हे को दुल्हन सबसे प्रिय होती है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वह बखूबी समझता है, ठीक उसी प्रकार इस धरती रूपी दुल्हन पर सैनिक रूपी प्रेम कभी विपत्ति सहन नहीं कर सकते। इसी समानता के कारण भारत की धरती को दुल्हन कहा गया है। इस प्रकार जो उत्तर आपको लिखना है, क्योंकि जो है जो वीर गति प्राप्त करने वाले सैनिक जो हैं यह दुल्हन है, इसकी लाज की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, ऐसे देश को दुल्हन की
रूप जो है दिया गया है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वह जीवन भर याद रह जाते हैं। गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वह जीवन भर याद रह जाते हैं। तो इसका उत्तर है, जिन गीतों में भावनात्मक मार्मिकता, सच्चाई, गेयता, संगीतात्मकता, लयबद्धता आदि गुण होते हैं, वे गीत जीवन भर याद रहते हैं। यह सभी जो गुण हैं, कर चले हम फिदा में हैं, इसीलिए हमें हर बार इसकी याद जो है दिलों में बस गई है। कर चले हम फिदा गीत में बलिदान की भावना स्पष्ट रूप से झलकती है, इसीलिए यह किसी एक विशेष व्यक्ति का गीत न बनकर सभी भारतीयों का गीत बन गया है। तो सही है, इसीलिए यह जीवन भर याद रहने वाली कविता है। तो अगला प्रश्न है, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, कवि ने साथियों शब्द का प्रयोग सैनिक साथियों व देशवासियों के लिए किया है। सैनिकों का मानना है कि इस देश की रक्षा हेतु हम बलिदान की राह पर बढ़ रहे हैं, हमारे बाद यह राह सुनी न हो जाए। सभी सैनिकों व देशवासियों को इसे सतर्क रहना होगा। तो इस तरह जो है साथियों का अर्थ जो है जो वीर गति प्राप्त करने वाले सैनिक के बचे हुए साथियों यानी सैनिकों के जो देशवासियों के लिए कहा गया है, तो आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है। काफिला, ठीक है, तो इसका उत्तर जो है इस प्रकार है, यात्रियों का समूह, ठीक है, काफिला है नहीं। इसका उत्तर इस प्रकार है, कवि चाहते हैं कि यदि सैनिकों की टोली शहीद हो जाए तो अन्य सैनिक युद्ध की राह पर बढ़ जाए। यहाँ देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के समूह के लिए काफिले शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह है। अगले जो है प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, जो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है। सर पर कफन बांधना, कपड़ा कहते हैं हम, अंबर कफन है नहीं। सर पर कफन बांधना का, बांधना का अर्थ है हंसते हंसते देश की रक्षा के लिए अपने जीवन को बलिदान करने के लिए तैयार रहना। वे शत्रुओं का मुकाबला निडरता पूर्वक करते हैं। तो इस प्रकार अगला प्रश्न है, इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखिए। अपने देश के सम्मान और रक्षा के लिए सैनिक हर चुनौतियों को स्वीकार करके अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी अंतिम सांस तक देश के मान की रक्षा कर उसे शत्रुओं से बचाते हैं। कवि इसमें देशभक्ति को विकसित करके देश को जागरूक करना चाहते हैं। तो इस तरह प्रतिपाद्य जो है शब्द यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका अर्थ। तो इस प्रकार जो है प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब हम कुछ कविता के संबंधित भाव हैं उनको स्पष्ट करेंगे। भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। इस पंक्ति का जो है भाव स्पष्ट करना है। इस पंक्ति का भाव इस प्रकार है, इन पंक्तियों में कवि कैफी आज़मी ने भारतीय जवानों के साहस की सराहना की है। चीनी आक्रमण के समय भारतीय जवानों ने हिमालय की बर्फीली चोटियों पर लड़ाई लड़ी। इस बर्फीली ठंड में उनकी सांस घुटने लगी।
साथ ही तापमान कम होने से नब्ज भी जमने लगी, परंतु वे किसी भी बात की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहे और हर मुश्किल का सामना किया। इस प्रकार है। तो अगले प्रश्न का उत्तर देखेंगे हम, जो भाव स्पष्ट करेंगे अगला वाला। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। इसका इस पंक्ति का भाव का अर्थ इस प्रकार है, यह गीत की प्रेरणा देने वाली पंक्तियां हैं। कवि का भाव है कि भारत भूमि सीता की तरह पवित्र है, अगर कोई शत्रु रूपी रावण उसकी तरफ बढ़ेगा तो अपने खून से लक्ष्मण सैनिक यानी लक्ष्मण रेखा खींचकर उसे बचाएंगे, अतः देश की रक्षा का भार उसी पर है। इस प्रकार इसका भाव हो जाएगा। और अगला है, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो। तो इस पंक्ति का भाव इस प्रकार है, कवि सैनिकों को कहना चाहते हैं कि भारत का सम्मान सीता की पवित्रता के समान में है, देश की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। देश की पवित्रता की रक्षा राम और लक्ष्मण की तरह करना है, अतः राम तथा लक्ष्मण का कर्तव्य भी हमें ही निभाना है। तो इस तरह हमने प्रश्नोत्तर देखा, भाव स्पष्ट किया। आप सभी जो हैं कैडेट्स, आप सभी इनको जो है वीडियो को देखकर प्रश्नों के उत्तर जो है अपने नोटबुक में लिख कर रखिए। अगला प्रश्न है, इस गीत में कुछ विशिष्ट प्रयोग हुए हैं, गीत संदर्भ में उनका आशय स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चाहे तो अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं थोड़े बहुत इसके उत्तर जो है लिखा हूँ। तो पहला है, कट गए सर। दूसरा है, नब्ज जमती गई। तीसरा है, जान देने की रुत। चौथा है, हाथ उठने लगे। तो इसके उत्तर जो है, जो वाक्य में हमने प्रयोग किया है, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं के कट जाएं सर, ठीक है, डर के मारे सबकी नब्ज जम गई, ठीक है, डर के मारे जो है नसें जम जाती हैं। शत्रु के हमले की जानकारी मिलते ही सब जान गए कि यह जान देने की रुत है, ठीक है, शत्रु के हमले की जानकारी मिलते ही। चौथा यानी उसका शब्द का हमने प्रयोग किया है, स्टेज पर मंत्री के आते ही जय जयकार के साथ हाथ उठने लगे, ठीक है, हाथ उठना यानी हाथ से मारना नहीं है यहाँ पर, जय जयकार घोषणा करने के लिए भी जो हाथ उठते हैं। इस प्रकार आज हमने जो है जो स्पर्श भाग दो से पद्य भाग में से जो आठवा कविता है कर चले हम फिदा, इसके समग्र प्रश्नोत्तर पर आज हमने चर्चा किया। और मैं आशा करता हूँ कि आपको इसे प्रश्नोत्तर पर अच्छे समझ में आएंगे। यदि आपके जो है अपने शब्दों में भी है, सरल वाक्यों में भी लिख सकते हैं चाहे तो, और इन्हें अपने नोटबुक में लिख कर रखना। तो इस तरह आज हमने कर चले हम फिदा के प्रश्नोत्तर पर चर्चा किया। अगले वीडियो में हम अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका